आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए, अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की तरफ। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। खबर आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र से। बीते 29 नवंबर को हुए लेखपाल दंपत्ति की हत्या नौकरी व धन की लालच में उनकी बहू प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने इस मामले में बहू समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके निशानदेही पर हत्या में प्रमुख हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पंकज यादव व उसकी प्रेमिका ज्योति का प्रेम प्रसंग था। उसके ससुर के नौकरी व धन के लालच में आकर ज्योति व उसके प्रेमी पंकज यादव उसके मित्र जेके मलिक द्वारा योजना बनाकर ज्योति के ससुर व सास राम नगीना राम व मनसा देवी पत्नी राम नगीना राम की हत्या कर दिया। पूछताछ में आरोपी अखिलेश यादव ने बताया कि पंकज और जेके मलिक से मेरी दोस्ती काफ़ी दिनों से है। घटना से 5 दिन पहले झारखंडे मंदिर पर पंकज बोला कि मेरी प्रेमिका ज्योति कौशल प्रताप के ससुर की हत्या करनी है। उसका ससुर लेखपाल है। लेखपाल की हत्या हो जाने पर उसके पति को नौकरी मिल जाएगी और कुछ दिनों बाद पति की भी हत्या कर दी जाएगी। हम और ज्योति दोनों मिलकर मजे करेंगे और वहां जो गहना मिलेगा जो करीब 10 से 12 लाख का है वह तुम लोग ले लेना। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इसको थाना क्षेत्र तरवा में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग लेखपाल और उनकी पत्नी की हत्या की गई थी धारदार हथियार से। इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें जनपद पुलिस के द्वारा लगाई गई थी। आज 11 दिसंबर को इस घटना का अनावरण किया जा रहा है। घटना में टोटल 6 एंगल हमारे पास ऐसे आए थे जिनके ऊपर काम किया गया। टोटल 27 अभियुक्तों से इसके संबंध में पूछताछ की गई और जो घटना का मोटिव जानकारी हुई है उसमें आज ये अभियुक्त आपके सामने गिरफ्तार हैं। जो घटना की गई उसमें जो मृतक हैं उनके लड़के की पत्नी ज्योति उनकी मुख्य भूमिका है। उनका संबंध एक लड़का पंकज यादव है जो शादी से पहले से ही जिसका इनके साथ संबंध था। पंकज यादव के साथ ज्योति ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा कि अगर जो लेखपाल हैं उनकी हत्या कर दी जाती है तो उनकी जगह पे नौकरी उनके लड़के को मिलेगी जो कि ज्योति के पति हैं, और जब इनको नौकरी मिल जाएगी तो उसके बाद पति की भी हत्या करने के बाद जो नौकरी है वो ज्योति को मिलेगी और उसके बाद ज्योति और उसका प्रेमी पंकज यादव ये दोनों लोग फिर एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। ये इन लोगों का प्लान था। इस प्लान के तहत पंकज यादव ने अपने एक दोस्त अखिलेश यादव को तैयार किया और उसके साथ 28 तारीख को शाम को ये अपने जो रानी की सराय के रहने वाले हैं वहाँ से मोटरसाइकिल पर निकले। इन्होंने बीच में शराब भी पी और इनके साथ धारदार हथियार अपने साथ लेके गए थे, पूरी तैयारी के साथ गए थे। मोबाइल फ़ोन इनके द्वारा अपना रख दिया गया था। मौके पे जाके जब इन्होंने ये देख लिया कि दोनों दंपत्ति उस मकान पे, क्योंकि ये रात के टाइम वहाँ